हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, आज हम नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं स्मार्ट मैथ की, 7th क्लास की। तो ये मैंने बुक 6th क्लास की भी कराई है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट अलग बनाई है। जो आपका भाई बहन 6th क्लास में पढ़ता है और ये बुक अगर चलती है तो उसे रिकमेंड जरूर करें, ठीक है? तो बेटा, इस बुक के मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? तो आराम से पढ़िए, बिंदास होके पढ़िए, ठीक है? जो हमारा पहला चैप्टर इसमें है, उसमें पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर वो हमारा क्या है, पहला चैप्टर जो हमारा क्या है, इंटीजर्स का है। दूसरा फ्रैक्शन एंड डेसिमल, डाटा हैंडलिंग, सिंपल इक्वेशन और लीनियर एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स, द एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज इन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है? ये हमारी सेल्फ असाइनमेंट फर्स्ट रहेगी। उसके बाद हमारे 2 में कुछ और कराएंगे, कुछ और गए ये नीचे वाले होंगे, ठीक है? तो फर्स्ट इंटीजर्स, इंटीजर्स को देख लेते हैं। इंटीजर्स होते क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो लिखते हैं कि पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर, इसको बोलो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, या फिर ऐसे बोलो पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स कोई दूसरा नाम है, तो आप कह देना पॉजिटिव इंटीजर्स का हमारा पॉजिटिव नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी। तो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते बेटा? तो मेरा बेटा क्या कहाँ से स्टार्ट होते? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 यहाँ तक जाते हैं। क्लियर बेटा? थोड़ा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इन चीज़ों को जरूर ध्यान दिया जाता है, ठीक है बेटा? आप देखते हैं हम क्या बोला, नेगेटिव, नेगेटिव नंबर्स बोलो इसको, फिर नेगेटिव इंटीजर्स बोलो, ठीक है? ओके बेटा, या फिर नेगेटिव नंबर बोलो या फिर नेगेटिव इंटीजर्स बोलो। जो हमारे क्या, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 डॉट, ये हमारे माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये हमारे प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो दो चीज़ें आप समझ में आ गई, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है हमारा, ठीक है, और हमारा नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है? दोनों को समझ लो, ठीक है? एक हमारा स्पेशल होता है जीरो इंटीजर्स, क्या होता हमारा, जीरो इंटीजर्स क्या बोलते हैं, जीरो। तीन चीजें आपको याद रखनी है इस कुछ चैप्टर में, बाकी ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो इतना नोट कर लो, हम आगे मूव करते हैं और चैप्टर के बारे में देखते हैं, ठीक है? वन पॉइंट वन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बेटा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, इस फिल को, ब्लैंक को फिल करो, ठीक है? इसको यहीं सॉल्व करा दे, ठीक है? इसको बहुत ध्यान से देखना, मैंने जूम कर लिया, ठीक है? आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो देखो +1 -1 -1 +1 +1 -1। तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि +1 के साथ हम -1 को कट कर देंगे, ये हमारा कट हो जाएगा, ये इसके साथ कट हो जाएगा और ये इसके साथ कट हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसके साथ कट होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ऑल ओवर हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है बेटा? नहीं तो आप एक तरीके से और कर सकते हो, इसको देखो, ये 1 1 1 2 3, ये प्लस का 3 हो जाएगा, 1 2 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो ऑल ओवर जीरो, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है? आप जैसे चाहो तो ऐसे कर लेना, ठीक है बेटा? दूसरा क्वेश्चन नंबर बी पे देखते हैं। तो देखो पहले इन दो को देखेंगे, ठीक है? तो सॉल्व करा लेते हैं बेटा, ठीक है? इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ।
आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो पहला तो हो गया, पहला तो समझ ही गए हो गए। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। वन ठीक है, माइनस वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन, ठीक है। अब देखेंगे ये और ये और बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस का थ्री, ये और ये और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ऑल ओवर हमारा कितना जीरो आ जाएगा, ठीक है। बी वाला देखते हैं, माइनस का सिक्सटी, माइनस का इलेवन, माइनस का नाइन, प्लस का हंड्रेड। तो देखेंगे ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये माइनस का सिक्सटी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये माइनस का ट्वेंटी हो जाएगा, ठीक है। प्लस का हंड्रेड, इन दोनों को ऐड करें तो माइनस का एट्टी हो जाएगा, प्लस का हंड्रेड, फिर सॉल्व करेंगे तो प्लस का ट्वेंटी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। को देखें तेरा एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, उसको बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। थ्री माइनस का एट माइनस माइनस का फोर, तो ये कितना बेटा हो जाएगा, ये माइनस का फाइव, ये प्लस का फोर हो जाएगा। ऑल ओवर फिर सॉल्व करेंगे तो माइनस का बन गया। डी वाले को देख लेते हैं, समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अगर दिक्कत की बात है ना, उसको दोबारा से देख लो, सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं, मांगे चलते हैं, द सम ऑफ एन इंटीजर्स, तेरा सम ऑफ एन इंटीजर्स, इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज, क्या हुआ, कह रहा है कि कोई इंटीजर्स है, ठीक है, मान लो कोई इंटीजर्स है ए, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए, उसी का बता रहा है। तो इन दोनों का अगर सम किया जाए तो क्या आएगा, जीरो। ऑलवेज क्या आएगा हमारा, बेटा जीरो आएगा। ओके बेटा, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो बेटा इसको नोट कर लो, चाहे वीडियो पॉज करके स्क्रीन शॉट ले लो, बाद में लिख, ठीक है। लेकिन लिखना ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। उसको मैं रेज कर रहा हूँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, कंपेयर ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, जैसे आपने अगर सिक्स में नहीं पढ़ा है इंटीजर्स, थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता दूँ, सेवन और माइनस सिक्स, तो आपको नंबर लाइन इंटीजर्स पता है कि अगर ये नंबर लाइन है ना, ये हमारा जीरो होता है, ये प्लस का वन, प्लस का टू, प्लस का थ्री और प्लस का फोर, ये साइड हमारी राइट हैंड साइड होती है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। इसमें क्या होता है, माइनस का वन होता है, माइनस का टू होता है, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, डॉट 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 इन। अब देखो मेरी बात ध्यान रखना, प्लस माइनस की अगर बात करें तो हमेशा प्लस का ही बड़ा होगा, ठीक है। किसका बड़ा होगा बेटा, प्लस का ही बड़ा होगा, तो प्लस का बड़ा होगा तो ये हमारा इंटीजर्स ये फिल हो जाएगा, ठीक है। बी वाले में देखेंगे बेटा, माइनस का टू गैप, ऐसा कभी अगर देखे माइनस का कंपैरिजन कभी अगर जीरो से हो ना, तो जीरो का हमेशा बड़ा होगा। दो ध्यान रखना, दो चीज़ें बताई हैं, प्लस और माइनस में अगर कंपैरिजन हो तो प्लस का हमेशा बड़ा होगा, और माइनस में जीरो में कंपैरिजन हो तो जीरो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटे चलते हैं, क्वेश्चन को देखो बहुत घुमा दिया यहाँ पे, कॉन्सेप्ट को ना हिसाब से देना चाहिए था, उस हिसाब से घुमा के दिया गया, ठीक। अब ये चीज़ आपको पता नहीं होगी क्या होता है, ये मोड होता है बेटा, जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा क्या आ जाएगी, माइनस का इलेवन आ जाएगा, माइनस का फोर। अब जब इसे सॉल्व करें तो ये साइन का मतलब होता है ये प्लस कर देगा, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। दूसरा हमारा डी वाला यहाँ कर देते हैं, तो माइनस का नाइनटी गैप ट्वेंटी माइनस का वन, तो माइनस का नाइनटीन, इसे जब सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ट्वेंटी वन माइनस का, ठीक है। और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा ट्वेंटी हो जाएगा।
बेटा प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है। ओके बात समझ में आ गई बेटा। तो ये था कॉन्सेप्ट, ये दो एक कॉन्सेप्ट हमारा याद रखना, कभी भी प्लस में माइनस में कंपैरिजन हो तो माइनस का हमेशा छोटा होता और प्लस का हमेशा बड़ा होता, ठीक। अगर जीरो में और माइनस में कंपैरिजन हो तो जीरो हमेशा बड़ा होता, माइनस का हमेशा छोटा होता। और कभी बार ये साइन मिल जाए, ये अगर साइन मिल जाए, ये इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो तो जब भी इसको हटाएंगे तो हमेशा प्लस की वैल्यू ही आएगी, ठीक है बेटा। यही यही कॉन्सेप्ट इसमें लगा, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, क्या हमारा तो ये हाँ असेंडिंग ऑर्डर बोला गया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ मैं क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। तो इसको भी अभी देख लेते हैं, इसको इरेज करके, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, माइनस का 8, 7, माइनस का 5, 13, 0 और 4, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किसमें असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा, आपको बहुत सिखाया गया होगा, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरह मूव करना है। तो छोटा सबसे सबसे छोटा कौन सा होगा, माइनस में होगा, माइनस में दो ही नंबर है तुम्हारा, ये और एक ये, माइनस का 8 आएगा, उसके बाद हमारा 5 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 13 आएगा। टीचर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर लग गया। इसका बी पार्ट भी देख लो, माइनस का 13, 25, 7, 15, 1, माइनस का 7, ठीक है। सबसे छोटा हमारा कौन सा होगा, ऑर्डर लगाएंगे, एसी लिख लो असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा हमारा कौन सा है, माइनस का 13, उसके बाद माइनस का 7, उसके बाद बेटा 1, के बाद बेटा के बाद हमारा 7 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 25। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटीजर, तो ये हमारा ऑर्डर लग गया, ठीक है। इसी हिसाब से आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अभी देख लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक बार एरर हो रही थी पेज में ना, एक बार देख लेते हैं, अगर वो खुल जाता है ना तो मिल जाएगा। नहीं नेट में क्या इशू आ रहा, नेट ही नहीं चल रहा, नहीं तो वो एक पेज और इसमें डाला था उसको भी देख लेते, ठीक है। हमें लगता नेट ही नहीं चल रहा इसमें, ठीक है। नेट नहीं चला तो बेटा देखो इतना ही रखते हैं ना, थोड़ा छोटा वीडियो होगा, हो गया कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें, और मेहनत के साथ पढ़ते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। जय हिंद, जय भारत।